मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रसिद्ध और प्रदेश के सबसे बड़े नवग्रह मेले में फिल्म अभिनेता गोविंदा ने लगाए ठुमके। इंदौर में होने वाले आईफा अवार्ड को लेकर गोविंदा ने कहा, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है और फिल्म लाइन दिल से निकलने वाली आवाज़ है जो पूरी दुनिया तक पहुँचती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये कामयाब हो। जिला मुख्यालय पर 128वां और प्रदेश का सबसे बड़े नवग्रह मेले में फिल्म अभिनेता गोविंदा पहुंचे। गोविंदा को देखने के लिए मेले में करीब 2,00,000 लोग पहुंचे। आयोजन से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए अभिनेता गोविंदा ने कहा, नए मध्य प्रदेश में कमलनाथ द्वारा आयोजित आईफा अवार्ड को लेकर कहा, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है और फिल्म लाइन दिल से निकली आवाज़ है जो पूरी दुनिया तक पहुंचती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये कामयाब हो। नर्मदा माई को प्रणाम करता हूं। नर्मदा मैया का हमेशा आशीर्वाद रहा है। जिन पर माँ बाप का आशीर्वाद रहता है उनके 9 के 9 ग्रह बेहतर हो जाते हैं। मुझे पता चला है स्वच्छता को लेकर खरगोन 2nd नंबर पर है। मैं समझता हूँ 1st नंबर 2nd नंबर कुछ नहीं होता, हमारा शहर सख्त होना चाहिए। देश के नागरिक और स्टार होने के नाते सीए को लेकर उनसे जब सवाल किया गया तो गोविंदा ने कहा, मैं राजनीति में नहीं हूँ और कुछ कहूँगा तो वैसे ही होगा, जैसे तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। गोविंदा के नवग्रह मेले में आर्केस्ट्रा डांस में शामिल होने की सूचना मिलने पर शाम से ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रात 9 बजे बाद करीब 2,00,000 लोग मेला और आयोजन स्थल पर पहुंचे। गोविंदा ने करीब 1 घंटे तक अपने समय के प्रसिद्ध गानों पर ठुमके लगाए और कुछ डायलॉग भी सुनाए। गोविंदा की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। अटल सावन की घड़ा खा हुआ बत्ती हुआ जैसा सोया क्या मिनटा के मिनटू ना मंडी में खड़े ले एंट्री बजा ली बार बार घंटे गुलाब घुमाने बच्चों को पड़े बहुत हो गया फुटले बढ़ गया खड़ा अपना रो आप करो तो देख के हमको हमार चंद्रमुखी का याद आ रहा है। चंद्रमुखी सर, इतनी खुशी तो हमें आज तक नहीं हुई और एक बार सर इतनी खुशी तो ये मध्य प्रदेश जो है
ये हिंदुस्तान के नाम से मशहूर है पूरी, और फिल्म लाइन जो है वो दिल से निकली हुई आवाज है जो पूरी दुनिया तक पहुंचती है, और इसका साथ में आर्ट और कल्चर को लेकर साथ आ जाए ये बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा है। और मैं बहुत बहुत शुभेच्छाएं प्रदान करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये कामयाब हो और ऐसे बहुत सी चीज़ें आगे निकले और ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर का जो ये जगह है ये और कामयाब हो, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना। सर, आप यहाँ नर्मदा के अंचल में आए, नर्मदा के अंचल में आए, नर्मदा को बहुत मानते हो, सुना है कि आपने आपकी बेटी का नाम भी नर्मदा रखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप माँ नर्मदा के? प्रणाम करता हूँ और नर्मदा भाई से प्रणाम करता हूँ, भाई से सदैव प्रार्थना किया करता हूँ कि जैसे वर्षानुवर्ष आप लोगों का सहयोग रहा है, मुझ पे माँ बाप का जो आशीर्वाद रहा है, वो जो कृपा रही है, और ये जो सहृदयता और ये जो प्रेम है ये सदैव ऐसा रहे, यही भाई से प्रार्थना करता हूँ। और आज ये नवग्रहण के मेला का जो ये जो प्रयोजन है जी, इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन पे भी माँ बाप का आशीर्वाद होता है वो नौ के नौ ग्रह जो है उसका कष्ट निकल जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझ जैसा आदमी फिल्म लाइन में आके कामयाब हो गया, मैं काफ़ी अनपढ़ हुआ करता था, फिल्मों में क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है इससे मैं बहुत ज़्यादा कभी भी अवगत नहीं था, परंतु क्योंकि माँ बाप की कृपा रही, खासतौर पर माँ का आशीर्वाद रहा, कभी तकलीफ नहीं आई, कभी कष्ट नहीं आया, तो कहते हैं कि जब जान की नाथ सहाय करे जी तब कौन कौन बीमार करे, तो सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदाय देते हो, राहु केतु की नहीं कम्यता, संग सुनीचर सुनीचर होता हो क्या? क्या बात, तो खरवन खरवन को सोच, खरवन को लेकर क्या कहेंगे, खरवन खरवन नगर को लेकर स्वच्छता के बारे में? मैं आ रहा था तो मुझे पता लगा कि ये सेकंड नंबर पे है एंड वर्षानुवर्ष रहा है जी। मुझे ऐसा लगता है कि स्वच्छता को लेकर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर ये सब कभी डिस्कस नहीं हो, हम सब स्वच्छता के लिए तत्पर रहे और ये नंबर वन नंबर टू से निकल के और टॉप पे कैसे आए, अच्छे से रहे, बाहर निकले तो सब जगह स्वच्छता, स्वच्छता की जो भूल जो वजह है वो स्वच्छता होती है, वो कभी नहीं भूले, वो याद रहे तो सब अच्छा रहेगा। महेश्वर और राजेश्वर आपका अपनी स्थान रहा है, महेश्वर और राजेश्वर आपका अपनी स्थान रहा है जी। देश में जो हालात चल रहे सीए कानून को लेकर और एनआरसी को लेकर आपका क्या मत है? भाई साहब देखिए, मैं पॉलिटिक्स से निकल चुका हूँ, मेरे संबंध किसी से भी खराब नहीं है और ऐसा भी नहीं कि आपके प्रश्न से खराब हो जाएंगे, परंतु जागरूक नागरिक हो जी 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 जी। देखिए भाई साहब नहीं दे रहा है अच्छा जी कहिए। राजेश्वर के प्रति आप, मैं उस विषय में बोलता नहीं हूँ, वजह यह है आप सही कह रहे हैं, एज अ नागरिक होने के नाते या स्टार की वजह से आई शुड से व्हाट आई फील लाइक सेइंग, परंतु मैं ज्यादा चर्चा विषय इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जैसे ही मैं उसका चर्चा विषय करने लगता हूँ लोगों को लगता है कि ये पुनः जो है इन्हें जो है हाँ मतलब कि लगी तो मैं क्या करूँ। महेश्वर और राजेश्वर को लेकर आपका ज्यादा प्रेम रहा है, महेश्वर राजेश्वर मंदिर को लेकर तो मैंने बहुत सारी यहाँ पर पूजा प्रार्थना करवाई है, बाकी शूटिंग नहीं की आपने वहाँ, अब उस पर चर्चा विषय यहाँ पर क्यों सर? गोविंदा जी महेश्वर में शूटिंग नहीं की आज तक कभी? मैं डेफिनेटली आई विल डू, ऐसा कभी मौका नहीं लगा क्योंकि जिस स्थान को हम सिलेक्ट करते हैं ये क्रियाओं के लिए उसके विषय में उस सूची में ऐसा कभी नाम आया नहीं, परंतु कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ जाओगे। महेश्वर आपके लिए आस्था का केंद्र है, महेश्वर आपके लिए आस्था केंद्र है, ये बेटी मंत्री है हमारी महेश्वर से, महेश्वर की है। अच्छा मैं इससे पहले के यहाँ से निकलूं जी, मैं धन्यवाद देता हूँ रवि जोशी जी का जी, आदरणीय आदरणीय रवि जोशी जी का, आदरणीय विजय लक्ष्मी जी साधु जी का जी, आदरणीय ऋषिकांत जी का, ऋषिकांत शुक्ला जी का, और जो मंच में मेरे साथ में आदरणीय एमएलए
रवि जोशी जी ने आपको नौकरा दिखा दिया, यहाँ पे है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।